हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और घर में पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, हम लोग भारत के भूगोल का वन लाइनर का सीरीज चला रहे थे और इसके मैंने 4 वीडियोस अपलोड किए थे। आज मैं आपके लिए फिर एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो वो है 2.42%। कितना प्रतिशत है? 2.42%। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कहाँ कब शुरू हुआ? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है और 1956 में ये शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है गरसोपा, ये जिसे जोग जलप्रपात कहते हैं और ये कर्नाटका में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वो है टिहरी बांध, ठीक है ना। अभी पिछले वीडियो में हम लोग ने टिहरी बांध के बारे में पढ़ा था। फिर भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? वो है गंगावरम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा कैंटीलीवर पुल कौन सा है? वो है हावड़ा ब्रिज कोलकाता। अब देखते हैं कैंटीलीवर पुल क्या है। हावड़ा ब्रिज जो है वो 36,000 टन स्टील से बना है और इसका असली नाम जो है रविंद्र सेतु है, जो 14 जून 1965 में बना था, ठीक है ना। तो ये है भारत का कैंटीलीवर पुल। फिर है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? वो है एलोरा, क्योंकि वहाँ एलोरा और इसकी गुफाएं हैं अजंता और एलोरा की, और वो है भारत के औरंगाबाद में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? वो है जूलॉजिकल गार्डन्स अलीपुर में। फिर है भारत का सबसे बड़ा द्वीप, वो है मध्य अंडमान। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। अब एलोरा मंदिर के बारे में मैं बता दूं कि एलोरा मंदिर जो है वो कैलाश यानी कि शिव जी का मंदिर है और ये पूरे एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया और यह द्रविड़ शैली में बनाया गया मंदिर है और यह 276 फीट लंबा और 154 फीट चौड़ा मंदिर है। और मध्य अंडमान के बारे में बताऊं, इसका क्षेत्रफल 1535.5 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 1535.5 वर्ग किलोमीटर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो वो है इंडियन म्यूजियम कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेलवे। भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? सिक्किम राज्य का गठन 16 मई 1975 में हुआ। सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है? सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाटी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है। अब अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से किस भारतीय क्षेत्र को जाना जाता था? कहते काला पानी की सजा, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्यों? क्योंकि वहां से वापस आने का कोई साधन ही नहीं था, वो समुद्र के बीचों बीच टापू वहाँ और जो मांडल जेल थी वहाँ की बहुत कठोर यातनाएं वहाँ दी जाती थी। तो ज़्यादातर स्वतंत्रता सेनानी जो अंग्रेज़ों को लगता था कि सबसे बड़े समस्या है, उनको वहाँ डाला जाता था। हरियाणा व पंजाब नए राज्य कब बने? 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? वो हुआ 1971 में। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? वो है केरल में। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? 3 बार देखिए, पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है 3 देशों को लगती है, वो है बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। फिर है सबरीमला किस राज्य में स्थित है? और वो है केरल राज्य में। सबरीमला वहाँ के सबसे बड़ा जो है मेला भी लगता है, तो ये केरल राज्य में स्थित है। आई होप आज के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे होंगे। अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके फिर मिलूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।